मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यू का काम करता हूँ। सब सामान फैला हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और फिर भी ये रहता घर है? रहता रहता नहीं हो तुम्हें कहने अजून? ये सब पसारा पड़े की काय गोडाऊन है काय हो काय आणि काम पण चालू आहे। ये देखो मटेरियल भी है, रहते भी है बोल रहे हैं, और ये बाहर खेती में उनका घर बना हुआ है। अभी थोड़ा काम रहेगा इसलिए ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इनको यहाँ पर एक सांप दिखाई दे रहा है, अभी देखेंगे सामान निकाल के, ज़्यादा सामान है निकाल के देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सामान निकाल रहे हैं दोस्तों, और हल्का सा यहाँ पर हमें दिखाई भी दिया थोड़ा सा, इधर शेसर का है देखेंगे अभी। और उतना सर बनने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कहाँ पर आके बैठा हुआ है, और रहते घर में। यहाँ पर रात का वक्त है, बाहर का तो नज़ारा नहीं दिखा सकते, लेकिन सामान किस तरह से फैला, और रहते घर में भी सांप कितने बड़े आ जाते हैं आप सोच सकते हैं दोस्तों। और दिखाई दिया अच्छी बात है, नहीं तो पता भी नहीं चलता कि सांप इतने आपके साथ रहने वाले हैं। बने रहिए, अभी सामान निकालेंगे। कितना बड़ा नाम है सर, सर 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 हमें ले आए थे। और इतने बड़े सांपों के साथ लोग रहते हैं, सिर्फ दिखाई दिए सिर्फ सोचते नहीं। तो इस कमरे के बाहर तो हॉल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इतना बड़ा सांप घर का एक हॉल पार करके सामान में आके बैठा था। अचानक उनको दिखाई दिया, कौन दिखा दी सर? ये दादी माँ देखा, मतलब बुजुर्ग महिलाओं ने देखा, मतलब इतना बड़ा सांप लगभग मेरे हाइट का है दोस्तों, और नहीं देखा तो पता भी नहीं चलता है कि इतने बड़े सांप के साथ हम घर में रह रहे हैं। और आस पड़ोस में खेती बाड़ी रहती ही है, और खासकर पुराना घर है, खेती बाड़ी है, तो सांप ज्यादा आने की संभावना रहती है। अभी बाहर सर इसमें तो वैसे तो ये बहुत ही बड़ा नाग है, उतना हेल्दी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाइट के हिसाब से वो बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन उम्र में ज्यादा है, लगभग 7-8 साल की उम्र का ही सांप हो सकता है। और हमने 2 गोली निकाला और ये वहां पर दिखाई दिया, और नहीं तो और भी अंदर सामान था वो निकालना पड़ता था। हमने उस वक्त कैमरा बंद किया था, बाद में भी ये दिखाई दिया दोस्तों। और अच्छी बात है कि इन्होंने देखा, बुजुर्ग महिला ने देखा, नहीं तो पता भी नहीं चलता था। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर सब कुछ कहानी बता के चलता है, हमें कितना संभल कर रहना चाहिए, और हमारे साथ में वो जिंदगी निकालते हैं। सामान निकालते रहते, दिखाई दिया, फिर अंदर चला गया, बाद में सामान निकाला, कैमरा में कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बाद भी मेरे पांव की तरफ आया, मतलब छुपने का और भागने का ही सोच रहा था, इतना बड़ा हूं, मतलब वो काटता है, हम डरते हैं, वो बात अलग है। ये हॉल पूरा दरवाजा वहां पर है, यहां से आके इधर अंदर जा रहा था, और उस वक्त दिखाई दिया, नहीं दिखाई देता है तो उसके साथ ही हम रहते हैं, इसका मतलब आके काटता है ऐसा नहीं है। सांप को इंसान से कोई भी मतलब नहीं, ये बताने की हमारी कोशिश है, या सांप से हमने ये सीखा है। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा नाग है, और लगभग 7-8 साल का सांप आसानी के साथ रहेगा। और इन दिनों में सांप अंडे डाले हुए रहते हैं, साथ में खेती बाड़ी है आस पड़ोस में, तो सांप ज्यादा रहते हैं, ठंड है बाहर, अगर गर्मी है उसके लिए सांप आपके आस पड़ोस में आ सकते हैं, संभल कर रहना जरूरी है। लेकिन सांप दिखाई देना ये सबसे बड़ी बात है, आप देखने के बाद डरते हैं, वहां पर तो खुशी मनानी चाहिए, नहीं तो नहीं देखा है तो कुछ खतरनाक हो सकता है, वैसे भी होता नहीं, लेकिन आप अगर मार के चले गए तो हो सकता है तो वो टल गया है, क्योंकि आपने उसको देखा, उसके बाद आप उसको मारते हैं। आप हम बोलते हैं कि उसको मारो मत, हमें पकड़ने के लिए बुलाते हैं, लेकिन आपको सांप कुछ नहीं करता, ये बात सच है। इसलिए देखने के बाद नहीं देखने से पहले सांपों को डरना चाहिए, तब गलतियां होती है, तब लापरवाही होती है, और सांप काटने की संभावना बढ़ जाती है। अभी इसको हम बंद करेंगे। बस
तो रात के वक्त भी नाग आते हैं। सांप पकड़ा, सांप ने सांप को खाया था। मतलब ये सांप ऐसा है कि रात दिन आता है, कभी भी आ सकता है। विषैले सांपों में इसकी ज्यादा गणना है। चूहो सांप सांपों ये सांप सांपों को खाता है, बिल्ली कुत्ते के बच्चों को खाता है, साथ में मुर्गी के बच्चों को, मतलब हर किसी भी प्राणी को शिकार बना सकता है। तो इसलिए ये सांप आने की संभावना कुछ ज्यादा है। विषैला भी है लेकिन उसकी कुछ लिमिट है, वो क्रॉस करेंगे तो काटता है, नहीं तो कुछ नहीं करता। ये इस बात को भी समझना जरूरी है। बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। इसी तरह ऐसा पर जारी है, फिलहाल रुकना पड़ेगा। धन्यवाद।